हेलो दोस्तों, गोल्ड एग्निंग का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI बैंक के बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में, जिसे जानकर आपको बहुत ही खुशी होने वाली है और कहने वाले हो कि SBI बैंक जो बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा है। इस अपडेट के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूँगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जो प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे जी न्यूज इंडिया की साइट पर, जहाँ पर हमें ये न्यूज दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है SBI जल्द देने वाला है बड़ी खुशखबरी, हर ग्राहक को होगा फायदा। ये अपडेट 5 जनवरी 2018 को अपडेट हुआ है इस साइट पर। नीचे इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, हम इसे पढ़ लेते हैं। नए साल पर होम लोन की दर में कटौती करने के बाद देश का सबसे बड़ा सरकारी भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को एक और राहत भरी खबर दे सकता है। यदि बैंक की इस प्लानिंग को अमलीजामा पहनाया गया तो इसका फायदा SBI के हर कस्टमर को मिलेगा। दरअसल सरकार के दबाव में SBI की तरफ से ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस में राहत दी जा सकती है। हाल ही में खबर आई थी कि देश के सबसे बड़े बैंक ने खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर 1,777 करोड़ रुपये कमा लिए। यह पैसा बैंक की दूसरी तिमाही के मुनाफे से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि SBI बैंक की शहरी ब्रांच में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा 3,000 रुपये है। इससे पहले यह सीमा 5,000 रुपये तय की थी, लेकिन इस सीमा को बैंक की तरफ से जल्द ही कम करके 3,000 रुपये कर दिया गया। अब अपने ग्राहकों को राहत देते हुए बैंक मासिक एवरेज बैलेंस की जरूरत को तिमाही औसत बैलेंस में बदलने की तैयारी कर रहा है। यानी ग्राहकों को हर महीने की बजाय तिमाही बेस पर अपने अकाउंट में निर्धारित बैलेंस मेंटेन करना होगा। इसका सीधा फायदा ऐसे ग्राहकों को मिलेगा जो किसी भी कारणवश अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर नहीं पाते। बैंक की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब पिछले दिनों यह रिपोर्ट सामने आई कि बैंक ने अप्रैल और नवंबर 2017 के बीच मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने के कारण अपने ग्राहकों से 1,777 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला। सूत्रों के अनुसार बैंक की तरफ से मिनिमम बैलेंस की सीमा 3,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये किया जा सकता है, लेकिन अभी भी इस पर फैसला होना बाकी है। इससे पहले बैंक की तरफ से जून में मिनिमम बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया था। इसके बाद भारी विरोध के बीच मिनिमम बैलेंस की सीमा को घटाकर मेट्रो शहरों में 3,000 रुपये, सेमी अर्बन 2,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपये किया गया था। इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली थी। अब बैंक अधिकारियों का कहना है कि मिनिमम बैलेंस की सीमा को कम करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं, इस न्यूज में बताया गया है कि अब आपको 3,000 रुपये की रखने की बजाय अब 1,000 रुपया मिनिमम बैलेंस की स्कीम आ सकती है, कि अब आप सिर्फ 1,000 रुपया अकाउंट में रख सकते हैं और आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। तो इस पर अभी फैसला होना बाकी है, बहुत ही जल्द इस पर फैसला हो सकता है। इस साइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से क्लिक करके सीधा आप इस साइट पर आ सकते हैं और इसके बारे में और डिटेल से पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में और कोई अपडेट आता है तो मैं इस चैनल से वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।